तो हाय गाइस, कैसे हो? हाय सब बढ़िया होंगे। ट्रियो फाइनली गाइस आ चुके हैं पैंड सुपरस्टार रेवल स्टार डानी प्रवास की कल की 2898 एडी के कोने एपिसोड में वापस। तो आज चल रहा है 8वां दिन, कितना बिजनेस आ सकता है। एंड साथ में लास्ट में देखेंगे गाइस कल आ रहे हैं भाई करण जौहर के पिक्चर किल, क्या प्रवास के जो अभी नंबर आ रहे हैं कल की 2898 एडी के स्पेशली फॉर हिंदी के, क्या कर देगी भाई उन सभी नंबर्स को किल? कितने शोज ले रही है, कितने शोज है गाइस वो कल की 2898 एडी के कल के दिन गाइस हमें ड्रॉप होते हुए दिखाई है वो दे सकते हैं। तो वीडियो आगे बढ़ाए उससे आपको क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुक डे वाइज क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट, सो सब कुछ अपडेट्स आपको इसी जगह पर मिलता रहेगा। तो करके रहो भाई, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेटेड वीडियोज के लिए। तो नंबर वन गाइस, सबसे पहले बुक माई शो में एक नया भाई रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया यहाँ पे प्रवास ने भाई, कल की ने बुक माई शो में गाइस पहले 7 दिनों में जो गाइस क्रेजी रिस्पॉन्स मिला है आउटस्टैंडिंग। नंबर वन पे गाइस कल की 2896.26 मिलियन टिकट्स हैव बीन सोल्ड फर्स्ट ऑफ 7 डेज। एडवांस के जितने भी टिकट सोल्ड आउट हुए थे वो भाई इसमें इंक्लूड है, वो नहीं है मतलब 23rd, 24th, 25th, 26th, ठीक। एंड नेक्स्ट जवान 5.80 मिलियन टिकट्स, नेक्स्ट एनिमल 5.20 मिलियन टिकट्स एंड गदर 2.40 मिलियन टिकट्स हैव बीन सोल्ड फर्स्ट ऑफ 7 डेज। तो यहाँ पे गाइस नंबर वन पे अब आ चुकी है कल की 2898 एडी। इससे पहले ये रिकॉर्ड भाई जवान के पास था, मानना पड़ेगा भाई अपने आप में ये बड़ी उपलब्धि है। हम ये देखते हैं कि मैक्सिमम साउथ की मूवीज चलो 1, 2 या फिर 3 दिन हमें क्रेज है वो देखने को मिलता है, या फिर एडवांस बुकिंग में एडवांस के टिकट्स भाई हमने इसमें इंक्लूड ही नहीं किया एंड फिर भी गाइस धमाकेदार। एंड नाउ अब मूव करते हैं कि भाई पहले 7 दिनों में मामला गाइस वो कहां तक जा चुका है और डे नंबर 7 में हमें क्या नंबर है वो देखने को मिला है। डे नंबर 7 9 करोड़ के आसपास भाई नेट क्वेश्चन गाइस वो किया है, मेरी पेशेंट थोड़ी कम थी, चलो काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। हिंदी में 11.50 करोड़, नेक्स्ट तमिल 1 करोड़ एंड नेक्स्ट गाइज 20 लाख के आसपास कन्नड़ा लैंग्वेज का, मलयालम 1 करोड़ एंड टोटल ऑफ 22.70 करोड़ डे नंबर 7 में नेट क्लेशन गाइज वो किया है एंड ग्रोथ जाएगा लगभग 27 करोड़। एंड ओवरसीज की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में लगभग 5 करोड़ की गाइज फिगर अपने निकल के सामने आई है, यूके लगभग 55 लाख, ऑस्ट्रेलिया 1.12 करोड़ एंड न्यूजीलैंड 8.70 लाख का बिजनेस किया है। मैं सभी को इंक्लूड करूँ तो समथिंग अराउंड 6.5-7 लगभग 13 करोड़ के आसपास मेरे को अर्ली एस्टिमेट है वो देखने को मिल रहा है ओवरसीज। तो डे नंबर 7 में लगभग 40 करोड़ का भाई वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन गाइस वो किया है 40 करोड़ लगभग। गाइस मेरी भी यही प्रेडिक्शन थी एंड ये जाएगा पहले 7 दिनों में लगभग 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड में, जगह गाइस फर्स्ट ऑफ 7 डेज 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड नंबर भाई अपने आप में बड़ी उपलब्धि है भाई। सलार का नंबर फर्स्ट वीक में ही उड़ा दिया, अभी आज का दिन है वैसे फर्स्ट ऑफ वीक कंप्लीट होने में, नेक्स्ट लियो का नंबर भाई फर्स्ट ऑफ वीक में उड़ा दिया, नेक्स्ट जेलर का नंबर फर्स्ट ऑफ वीक में उड़ा दिया एंड क्रेजी मूड में मेरे को लग रही है यहाँ पे कल की 2898 एडी। और आज का गाइस जो नंबर अभी आने वाला है भाई मैं आज को जो बताने वाला हूँ आप शॉकिंग रह जाओगे भाई। हिंदी में तो हम जंप देखते हैं बट तेलुगु में गाइस जस्ट अभी वर्किंग डेज ही चल रहे हैं और मामला गाइस ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ अब मूव करते हैं कि आज भाई क्या नंबर है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। हाँ एक चीज़ और मैंने बताई नहीं, ऑलमोस्ट भाई 95% पिक्चर अपना रिकवर कर चुकी है एंड आप ये पकड़ लो कि बस सैटरडे के बाद जो भी नंबर आएगा मामला गाइस प्रॉफिट में जाने वाला है। अभी हिंदी में जस्ट आज के नंबर आप इंक्लूड कर लो, मेरे ख्याल में कल के बाद जो भी नंबर आने वाला है वो गाइस प्रॉफिट में है, जो कि ओवरसीज में ऑलरेडी प्रॉफिट में है, केरला में ऑलरेडी भाई प्रॉफिट में है, जो कि कर्नाटका में बस 2-4 दिन का इंतजार करो वहाँ पे मामला गाइस प्रॉफिट में वो जाने वाला है, ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। नाउ अब मूव करते हैं भाई क्या हमें आज के दिन ऑक्युपेंसी है वो देखने को मिल रही है। तेलुगु वर्जन शोज ऑलमोस्ट सिमिलर इन कंपैरिजन यस्टरडे टू टुडे, कल शोज ड्रॉप होने वाले हैं। तेलुगु वर्जन ऑलमोस्ट 24% मॉर्निंग की ऑक्युपेंसी और कल कितनी थी 19, हमें जंप देखने को मिला। नेक्स्ट आफ्टरनून कल 26 और आई 42 भाई यहां पे भी जंप गाइस ये तो अनएक्सपेक्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हैदराबाद में 541 शोज में 44% ऑक्युपेंसी और आज के दिन जो जंप हमें देखने को मिला है सबसे ज़्यादा तो गाइस वो हैदराबाद ही है। नेक्स्ट बेंगलुरु 275 में 16%, चेन्नई 46 में 17%, विजयवाड़ा 88 में 30% एंड वरंगल में 35 शोज में ऑलमोस्ट 45%, गंदूर 23 में 30 एंड विजयवाड़ा में ऑलमोस्ट विशाखापट्टनम 130 में ऑलमोस्ट 40% हमें ऑक्युपेंसी वो देखने को मिल रही है। भाई वर्किंग डेज चल रही है और वर्किंग डेज में और इस लेवल की ऑक्युपेंसी आ रही है आप समझ लोगे मामला गाइस अच्छा आसा आज जंप है वो होता हुआ दिखाई है वो दे रहा हूं क्योंकि कल भाई ऐसी ऑक्युपेंसी नहीं थी। अब मूव कर दे भाई हिंदी में क्या चल रहा है, मॉर्निंग 14%
एंड यस्टरडे को भी 14, सिमिलर। आफ्टरनून की 24 एंड यस्टरडे को भी 24, बिल्कुल सिमिलर। मूव टू सिटी वाई, मुंबई 601 शोज, आज 602 शोज है भाई, एक शो इंक्रीज हुआ है, एंड कल 18% और आज भी 18%, सिमिलर। नेक्स्ट दिल्ली एंड 576 शो में 17 एंड 557 शोज में आज 17 है, आज थोड़ी शोज ड्रॉप हुए, आज थोड़ा सा भाई ड्रॉप पकड़ लो। नेक्स्ट पुणे 230 में 18 और आई 230 में 21 है भाई, पुणे में भी थोड़ा सा हमें जंप देखने को मिल रहा है। बेंगलुरु 135 में 31, आई 135 में 32, सिमिलर। नेक्स्ट हैदराबाद 30 में 11, आई 32 में 17, भाई जंप है। कोलकाता 200 में 19, आज 194 में 17 है, थोड़ा सा ड्रॉप है। अहमदाबाद में 133 में 14 और आज 124 में ऑलमोस्ट 11% ऑक्युपेंसी, यहाँ पे थोड़ा सा भाई ड्रॉप है वो देखने को मिल रहा है। तो फाइनली मेरे भाई आज कितना नंबर है वो आ सकते हैं, एज ऑफ नाउ गाइस मुझे 11 करोड़ के आसपास नेट क्वेश्चन दिख रहे हैं तेलुगु का, 11 करोड़ के आसपास। यस्टरडे कितना था भाई, 9 करोड़, भाई मुझे 2 करोड़ के आसपास जंप दिख रहा है। अभी शाम के शो 7, 8, 9, 10, 11 पता नहीं क्या होगा, बट एज ऑफ नाउ 11 करोड़ दिख रहा है भाई। मामला तेलुगु का मेरे भाई जंप है, जो कि मुझे नहीं लगा था कि आज के दिन हमें जंप है वो देखने को मिल सकता है। हाँ शाम के शोज अच्छे जाने चाहिए जैसे यस्टरडे को थे, तब भी ये नंबर आएगा। नेक्स्ट मूव टू हिंदी, हिंदी में गाइस 10.5 से लेके 11 करोड़ के आसपास नेट दिख रहे हैं, बाकी बचा अनदर लैंग्वेज 2 करोड़ के आसपास पकड़ लो। एंड मेरे ही भाई प्रेडिक्शन गाइस 22-24 करोड़ के आसपास दिख रहे हैं, 22 से लेकर 24 करोड़ के आसपास आज के दिन भाई नेट क्वेश्चन वो आने वाला है अपने 8वें दिन। ग्रॉस जाएगा 28-30 करोड़, ग्रॉस ओवरसीज लगभग भाई 15 करोड़। अभी आज के दिन यूएसए के अंदर भाई इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई है, आज छुट्टी है, आज हॉलीडे है, मुझे उम्मीद है कि भाई वहाँ पे अच्छा खासा जंप है वो देखने को मिलेगा। कल 5 करोड़ आया तो उम्मीद करते हैं कि 10 करोड़ आ जाए, एंड 15 करोड़ टोटल ऑफ ग्रॉस ओवरसीज, एंड 45-48 करोड़ के आसपास मुझे टोटल ऑफ ओवरसीज, टोटल ऑफ वर्ल्ड वाइड में उम्मीद है डे नंबर 8 में 45-48 करोड़। एंड कितना नंबर है भाई हमारे पास, 700 करोड़, और ये जाएगा लगभग 750 करोड़ पहले 8 दिनों में। और पिक्चर को भाई हिट होने कितना चाहिए वर्ल्ड वाइड में, लगभग 750 करोड़ वो पार कर दी है, बट अभी देखो सम बिलीव नहीं कर रहे हैं, चलो 40-50 कम पकड़ते हैं सैटरडे तक, वो भी गाइस कवर है वो हो जाएगा। और अभी मैं 5 बजे तक की बात करें गाइस, तो यहाँ पे हिंदी वर्जन की तो 3 करोड़ 26 और 2 करोड़ 38, ये दोनों में इंक्लूड करूँ 5 करोड़ 62 है, एंड 249,000 मेरे को फुटफॉल सा वो देखने को मिल रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के अभी शाम के 5 बजे तक। एंड कल के मुकाबले भाई हिंदी अभी सिमिलर ही दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा ही कम है। एंड यहाँ पे मूव टू भाई तेलुगु वर्जन, तो तेलुगु वर्जन कल के मुकाबले अभी शाम तक मेरे को जंप है गाइस वो देखने को मिल रहा है, तो आज जंप होगा गाइस, तेलुगु लैंग्वेज जंप होगा, एंड साथ में गाइस ओवरसीज यूएसए के अंदर हमें जंप है वो देखने को मिलेगा, ठीक। एंड 750 करोड़ पहले 8 दिनों में। अब मेकर्स क्या पोस्टर देंगे अब ये देखना दिलचस्प होगा, कब देंगे अभी ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब आप बात करते हैं यहाँ पे गाइस, कल यहाँ पे करण जौहर की भाई पिक्चर किल है वो आने वाली है, एंड हिंदी लैंग्वेज में भाई कितने शोज है वो खा सकती है। देखो अभी देखोगे आप तो कल के पास 12,500 के आसपास शोज हैं ओनली हिंदी लैंग्वेज के, 12,500 शोज भाई, भाई कल की यार क्या बात करते हैं भाई, सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स में यार सी डी सेंटर में अच्छा खासा बिजनेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। 12,500 शोज गाइस, कम नहीं होते सलार, कभी भी भाई इतने शोज नहीं गए थे हिंदी लैंग्वेज के, सलार छोड़ो इवन शाहरुख खान गाइस, डंकी के भाई पहले दिन को छोड़ के इतने शोज है वो नहीं गए थे। एंड आप भी कल भाई ड्रॉप होने वाले हैं, किल की बात करें तो लगभग भाई 1,000 स्क्रीन में भाई इसको रिलीज है वो किया जा सकता है, एंड एडवांस बुकिंग काफ़ी ज़्यादा वीक चल रही है, लगभग भाई 2 करोड़ के आसपास शायद किल भाई ओपनिंग ले सकती है। अभी रिव्यू देख लो भाई स्पेशल शोज में जो निकल के सामने आए हैं, 4-4 स्टार भाई, 3.5-4 स्टार, बट ओपनिंग मेरे को कुछ खास नहीं दिख रही है। देखो पब्लिक को पता है कि भाई ये रिव्यू किस टाइप का निकल के सामने आया है, जब पब्लिक का हम रिएक्शन देखेंगे तब भी हम जाएंगे, ये भाई पब्लिक ने पहले से डिसाइड कर दिया, अब चाहे कुछ भी बोलो। एंड 2 करोड़ के आसपास मेरे भाई नेट है वो दिख रहे हैं, तो आई थिंक सो पब्लिक मूव टू अगेन सेकेंड ऑफ वीकेंड कल की 2898 AD, ऐसा मेरे को दिख रहा है, बट रिव्यूज़ अच्छे निकल के सामने आ गए तो शायद सैटरडे संडे को थोड़े और शोज़ हैं वो कल की के जा सकते हैं। करण जौहर आप सभी को पता है कि भाई इस बंदे को शोज़ लेना आता है, नो डाउट अबाउट, चाहे पिक्चर जैसी मर्जी क्यों ना हो। तो 12,500 शोज है आज के दिन, तो कल आप 7,000 के आसपास शोज पकड़ लो, 7 से लेके 8,000 शोज है वो रहने वाले हैं कल की के पास, 4-5,000 शोज शायद
जा सकते हैं। एंड जंप हमें तो भाई वीकेंड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा भाई, कल की का सैटरडे एंड संडे को, फ्राइडे को शायद हिंदी अगेन हमें नीचे जाते हुए दिखाई है, वो दे सकती है। तो फिलहाल गाइस सभी के लिए तो इतना ही, आई होप कि सभी को भाई अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी डिवाइस एडवांस बुक डिवाइस कस्टम रिपोर्ट्स हो सब कुछ आपको इस जगह पर मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।